गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट राजी, प्लस टू दी अपना जो टॉपिक है यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक उदी गल आपा कर रहे हैं। इस तो पहला जो अपने लेक्चर दे विच डिस्कस किया सी दैट वाज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज उदे प्रॉपर्टीज डिस्कस कीतियां सी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपा कूलम्स लॉ बारे गल कीती सी। वो जो फार्मूला जो बनया सी दैट वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। ई दी वैल्यू डिस्कस कीती सी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। एलिमेंट्री चार्ज चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। उस तो बाद कूलम लॉ का फार्मूला जिन्हों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है, उसका फार्मूला राजे बनया सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। क्यू वन क्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, आर दोनों के विचे सेपरेशन। एवी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ जिन्हों के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई सी 8.854 × 10⁻²⁰ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम लॉ बारे डिस्कस किया। कूलम लॉ जो कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज एट रेस्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। आज जो आप डिस्कस करना है दैट इज कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म की गल करांगे। राजे वेक्टर बारे पता है, इतने वेक्टर की गल आ गई मतलब डायरेक्शन की गल आ गई। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। देखो राजे टू चार्जेस क्यू वन क्यू टू पोजिशन ए पोजिशन बी, फर्स्ट चार्ज उते फोर्स लगेगी F12। सेकेंड चार्ज उते फोर्स F21, मतलब F12 का मतलब की है F12 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q1। 1-2 का मतलब पहले पे फोर्स लग रही है दूसरे करके, तो 2-1 का मतलब सेकंड चार्ज पे फोर्स लग रही है किधर करके फर्स्ट डायरेक्शन की गल करनी है। प्लस वन च पढ़िया हुआ है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की है, इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर जिथे लग गया तो डायरेक्शन की गल कर रहे हैं, दैट मीन दोनों के विच सेपरेशन आर है, डिस्टेंस आर है, पर डायरेक्शन की गल करनी है राजे। दैट इज यूनिट वेक्टर 1-2 एले फोर्स उदे ते लगानी है तो एजी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेकंड चार्ज। हुण सेकंड ने फर्स्ट ते लगानी है तो उदी डायरेक्शन 2-1। तो दैट मीन ए अपना डायग्राम बन गया F12 फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, तो F21 सेकंड ते फोर्स लगेगी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो ये अपना पता करना है F21 सिमिलरली फोर्स
act on charge Q2 due to Q1. फॉर्मूला तुम्हें पता है F12, फोर्स का फॉर्मूला पता है, वेक्टर की गल कर रहे हैं तो ऊपर वेक्टर साइन एरो पाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, डायरेक्शन रहेगी 1 2 2 1 1 2 2 1। 1 2 फोर्स लग रही है पहले से कितने करके, सेकंड करके, यूनिट वेक्टर 2 1। क्यों? सिंपल जी का याद रखनी है, 2 1 का मतलब है, तो मतलब यह है भी दूसरे की डायरेक्शन पहले वाले पासे, दूसरे की डायरेक्शन पहले वाले पासे, क्योंकि राजे जो फोर्स फर्स्ट से लग रही है तो दैट मीन सिंपल जी का याद रखनी है, जे इतने 1 2 है तो इतने 2 1 होगा, इतने 1 2 है तो 2 1 होगा। इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली F21 1/4πε0 Q1 Q2 by R square 1 2 हो गया और 2 1 हो गया। दो फोर्सेस दे फॉर्मूला सीखते अजय, फोर्सेस सेम हो सकते हैं, मान लो और 2 है Q1 Q2, इन्हें एडजोइंट फोर्स लगानी है, इन्हें एडजोइंट दोनों की फोर्स द वैल्यू सेम हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, पर डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन्हें एदे ते इस पासे, इन्हें एदे ते इस पासे, मतलब ए राइट टू लेफ्ट, ए लेफ्ट टू राइट, तो दैट मीन डायरेक्शन भी सेम हो सकती है, तो मतलब R21 माइनस होगा R12, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। आप की करेंगे R21 पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, आ चीज पहले भी पुट कर देंगे, पर ये F12 की बन जूगा 1/4πε0 Q1 Q2 by R square minus R1 2 1 एक्सिबल कर, 2 1 जी F12 माइनस टेकन आउट 1/4πQ1Q2 by R square, अब माइनस नो अलग लिख लिया, माइनस नो अलग लिख लिया, आ सारा फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 by R square यूनिट वेक्टर R cap 1 2 आ की बन गया, यानी कि F21 आ की हो गया सारा F21, मतलब F12 माइनस ऑफ असारा इतने F21 लिखता, तो कहने का मतलब यही है भी इतने लिख रहा मैं F12 + F21 = 0, इधर आके प्लस हो गया तो 0 बन गया, यानी कि टू फोर्सेस का जो सम है, यानी कि आ इतने फोर्स लगा रहे हैं, आ इतने फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का सम 0, ऑपोजिट फोर्स हैगी है क्योंकि नेगेटिव है, दोनों का सम 0, तो जदों कूलम लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म तो यही पता लग गया है कि जिहड़ी दोनों टोटल फोर्सेस है उन्हां दा जो सम है 0 है, मतलब जे सम 0 है तो फोर्स किथे लग रही है, सेंटर ते, सेंटर ते, तो इस तो पता लगता है कूलम लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म दसदा है भी जो कूलम फोर्स है इज सेंट्रल इन नेचर, कूलम फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म,
टू मार्क्स थ्री मार्क्स के प्रोबेबिलिटी रही है भी पेपर के आ जाए। कूलम लाइन वैक्टर फॉर्म कूलम लावा से पढ़िया, कूलम लाइन वैक्टर फॉर्म पढ़िया। नैक्सट टॉपिक है उसके बारे गल करांगे। नैक्सट है राजी डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की होंगे। डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट यूनिट वन चल रही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट फिजिक्स के विच। तुहाडे मार्क्स किन्ने रहेंगे यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री या यूनिट सिक्स? ये चार यूनिट है ये डिसाइड कर दिया, क्योंकि बड़े हाई मतलब इन्हां विचों पेपर जो क्वेश्चन बनते हैं यूनिट वन थ्री सिक्स टू तो सारे ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो पहला पहला ये समझने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट के नाल रिप्रेजेंट किया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट डी आई, डाई मीन टू, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट के नाल डेफिनेशन की है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज एट सम डिस्टेंस इन एयर। इन एयर ए भी लिख सकते हो, इन एयर टू द फोर्स बिटवीन सेम चार्ज सेम डिस्टेंस प्लेस इन मीडियम, प्लेस इन मीडियम। देखो राजी पहले गल कर रहे थे क्यू वन है क्यू टू, इन दोनों के फोर्स लग रही है। एक बार ये मीडियम हैगा एयर, एयर वैक्यूम फ्री स्पेस जिन्हों कहने, तो दोनों के जो फोर्स लगेगी वो फोर्स नो लिखता एफ ए या एफ नोट फॉर स्ट्रमर जी। उही चार्ज उही डिस्टेंस हुण की है मीडियम, दोनों के की है मीडियम। मीडियम पता तुम कोई वाटर हो गया प्लास्टिक हो गया, तो एफ एन ये डेफिनेशन है। डाइइलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट फार्मूला एफ नोट का वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम फोर्स की गल कर रहे हैं, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज बाय आर स्क्वायर इन मीडियम, सारा कुछ सेम रहेगा। जिहड़ा ये एप्सिलॉन है वो कॉन्सटेंट सी एप्सिलॉन नॉट, इतने लग जाएगा राजे एप्सिलॉन एम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की हो जाएगा, आओ ऊपर चले जाना है एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एम का मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनू की कह देंगे राजे रेशियो नूं एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इहदा मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ए कई बार फॉर्मूला बनता होंगे भी एप्सिलॉन एम कि इक्वल है मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू एप्सिलॉन आर। नेक्स्ट है राजे, नेक्स्ट है राजे ए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक छोटा टॉपिक पूरा जब करना है
यूनिट वन चल रहे हैं, नेक्स्ट लैक्चर के आप इलैक्ट्रिक फील्ड की गल करेंगे। इस टॉपिक के जो तुम हूं तक पढ़ोगे कूलम्स लॉ बारे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होर चीज जो अज आप डिस्कस करनी राजे, दैट इज नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अरे चार्ज जोड़ा है वो डिस्ट्रीब्यूट थ्री वी या तो लेंथ वाइज लाइन चार्ज या सरफेस एरिया एरिया वाइज चार्ज में वंडिया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, या वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक वेरिएबल। फर्स्ट आप गल करेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एदे विच है लाइन चार्ज डेंसिटी। ये जो दो तीन फार्मूले बनने हैं ये सारा पूरे सिलेबस के विच ही काम है। हम जिवें सपोज करो कोई लाइन चार्ज है, मान लो पेन है मार्कर है, एदे विच सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सारा टोटल चार्ज है, मान लो टोटल चार्ज क्यू है, एदे भी सारे चार्ज की डिवीजन की है, सारे चार्ज की डिवीजन की है, सारे की लेंथ है एल, सारे की लेंथ है एल, मान लो आ क्यों ना लिख लो इस तरह, सारे की लेंथ एल, मान लो स्मॉल लेंथ ले ली डी एल, सारे भी एल होगी, एनी भी होगी राजे डी एल, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दे नाल लिखा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज जो सारे पूरी वायर को सी ओवर लेंथ टोटल लेंथ, तो जे स्मॉल की गल कर रहे हैं तो लैम्बडा ही रहेगा डी क्यू बाय डी एल, डी क्यू बाय डी एल, और डी एल का जो चार्ज होगा वो भी डी क्यू। यूनिट की गल करेंगे चार्ज की यूनिट है कूलम, लेंथ की है मीटर, तो लैम्बडे की यूनिट की होगी लैम्बडा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, तो लैम्बडा का फार्मूला चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब पहला फार्मूला बन गया, नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस की गल करेंगे, एरिया की गल करेंगे, टू डायमेंशनल इस तरह कोई रेक्टेंगल इस तरह, सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सारे का चार्ज क्यू, एरिया एस, एरिया एस तो इनू कि लिखांगे सिग्मा चार्ज बाय एस, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर एस, मतलब सरफेस एरिया जिम्मे लेंथ से उमें सरफेस एरिया, अजे स्मॉल कुछ सरफेस ले रहे हैं तो सिग्मा की हो जाएगा डी क्यू बाय डी एस। उसी तरह यूनिट यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम ओवर मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, यह यूनिट होगी राजे सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कोई भी स्फीयर है वॉल्यूम होगा तो उन्होंने आप लिखांगे रो दे नाल, दैट इज इक्वल टू
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो पहला लैम्डा, दूसरा सिग्मा, तीसरा रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यदि यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, यदि यूनिट होगी कूलम पर मीटर क्यूब। तीन फॉर्मूले, लैम्डा, सिग्मा, रो। तो ए राजे अज का अपना टॉपिक से, आई होप तुहानू समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगे वो आप नेक्स्ट टाइम डिस्कस करांगे। थैंक यू वेरी मच।